विजयदशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से प्रत्येक वर्ष परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री व गृहपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की निकलने वाली विजय शोभा यात्रा रविवार को मंदिर परिसर से धूमधाम के साथ निकाली गई। कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंद गाड़ी में ही ढोल नगाड़े बैंड बाजा और कड़ी सुरक्षा के बीच मानसरोवर मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा गोरखनाथ रामलीला मैदान पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारी। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री व गृहपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज ही के दिन प्रभु श्री राम ने अन्याय अत्याचार और आतंक के प्रतीक रावण का अंत करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी और रामराज की स्थापना की। गृहपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामराज स्थापित करके भगवान श्री राम ने लोगों को संदेश दिया है कि जिनसे सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि यह त्यौहार कोरोना के बीच मनाया जा रहा है, जिसका असर पर्व आयोजन व्यवसाय सहित अन्य कार्यों पर पड़ा है। उसके बाद भी यह त्यौहार और रामलीला शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, जिसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। विजयदशमी के उन्होंने कहा कि इस पर्व पर जनपद और प्रदेश के सभी नागरिकों को शारदीय नवरात्र और विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूँ और उनके मंगल मय जीवन की कामना करता हूँ। Thank you.
Thank you.
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਦੇ ਕਾਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜੀ ਚਲੇ ਚਲੇ ਭਈਆ ਭਈਆ ਮਾਰੋ ਇਹ ਮਾਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਰਾਮ ਸਵਾਸਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਜੀ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸਭੀ ਦਾ ਇਸ ਪਰਚਰ ਮੇ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਸਮਿਤੀ ਆਰੇ ਨੇ ਹਰ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੋਲਿਓ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬੋਲਿਓ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮਾਰਾ ਸੀ एवं पूरे मैदान की सोलिंग से सुंदरी निष्काम कर्म की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो देते हैं इस निष्काम कर्म के पीछे का उद्देश्य ही है हमारा काम कर्म करना है फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं अगर हमने निष्काम कर्म किया तो उसका इच्छित फल ऊपर वाला हमें जरूर देगा और यह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के साथ हम सब ने इस चीज को अनुभव किया है मुझे आज के दिन पर बहुत प्रसन्नता है कि एक एक करके सारे कार्य आगे बढ़ने जा रहे हैं गोरखपुर विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है पूरा देश आज समृद्धि की ओर अग्रसर होकर के कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का मुकाबला सफलतापूर्वक करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई धमक के साथ आगे बढ़ रहा है ये सभी भारत के 135 करोड़ लोगों को ये घटनाएं गौरवान्वित करती है ये सभी घटनाएं हमें हमने हमारे अतीत और हमारे वर्तमान को जोड़ने के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा भी प्रदान करते हैं मैं आज के इस अवसर पर आप सब से एक बार फिर यही अपील करूंगा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं इसलिए सभी उन मर्यादाओं का पालन करते हैं हम लोगों ने परंपरागत जुलूस नहीं निकाला विजय जुलूस को पूरी तरह स्थगित करते हुए कि जब तक कोरोना है तब तक इस प्रकार के कार्यक्रमों को स्थगित करना होगा और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी समितियों को कमेटियों को खासतौर पर माँ दुर्गा के अनुष्ठान के लिए जगह जगह जो पंडाल लगते थे बड़े बड़े पंडाल लगते थे बड़े बड़े आयोजन होते थे हजारों लोग उसमें सहभागी बनते थे उन सभी लोगों ने भी इसका पालन किया अपने घरों में छोटी मूर्ति रख करके पूजा की जो भव्यता और दिव्यता सड़कों पे दिखती थी वो भले सड़क पर न हो लेकिन वो भव्यता और दिव्यता आज भी पूरी मजबूती के साथ उन सभी घरों में देखने को मिल रही है जहां पे मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है या जहां पे कलश के पूजन के माध्यम से ही अपनी इस परंपरा को लोगों ने अक्षुण्य बनाए रखा है और पूरी पवित्रता के साथ मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के साथ भी जा रहे हैं मैं प्रदेश के गोरखपुर वासियों को प्रदेश वासियों को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो गाइडलाइन बनाई गई थी वह गाइडलाइन भी एक मर्यादा ही है और उस मर्यादा का पूरा पालन करते हुए सभी श्रद्धालुजनों ने माँ दुर्गा के सभी भक्तों ने भगवान श्री राम के सभी भक्तों ने इसका पालन किया और पालन करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया कि हम लोग हर हाल में किसी भी स्थिति में मर्यादा को भंग नहीं होने देंगे और पूजा रोग बीमारी से भी लड़ेंगे और अपने अनुष्ठान को अपने घर के साथ अपने परिवार के साथ अपने समुदाय के साथ एक छोटे से प्रांगण में इसको संपन्न करके इस बार बीमारी से लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और उन मर्यादाओं का भी पालन करेंगे सभी कार्यक्रम अनवरत रूप से चलते जा रहे हैं मैं एक बार फिर से आप सबसे अपील करूंगा
हम इन सब का पालन करें, हर हाल में दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन करते हुए हम लोग कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई में अपना अपना योगदान देंगे। सभी कार्यक्रम हमें खुलने चाहिए, अब बाधित नहीं रहने चाहिए। हर एक कार्य इन मर्यादाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ सकता है और उसका पालन करते हुए अगर हम आगे करेंगे तो मुझे लगता है कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं आने वाली है। मैं एक बार फिर से आप सबको शारदीय नवरात्रि के उपरांत विजयादशमी इस तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सबके जीवन में सुख और समृद्धि दे। आपका जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सार्वजनिक जीवन सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर हो, इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूँ विराम। जय जय श्री राम। हनुमान की बड़ी ब्रह्मलीन महंत विजया जी महाराज।